नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इनसॉर्ट से। प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी जन स्वराज पदयात्रा पे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इस पदयात्रा के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा है कि जो तेजस्वी यादव अपनी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, अब वो कलम टूट गई है या फिर उसकी स्याही सूख गई है। इस बीच प्रशांत किशोर का क्या कुछ कहना है, पहले आप सुने। और आप क्या बात कर रहे हैं, चचा भतीजा की सरकार, इनकी क्या हो, इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, 1 जहां जीते वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग? 15 में इनकी मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता। ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है? कितना इनको ज्ञान है भाई? 2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे? पहली बार MLA के तौर पर चुनाव लड़ाया गया, उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ है भाई? लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए RJD के लीडर हैं। आप भी किसी बड़े बाप के लड़के रहिएगा तो उस दल के नेता हो जाइएगा। बिहार के नेता थोड़ी ना है, बिहार की जनता ने उनको चुना है, हम क्यों जवाब दें उनकी बात का? कौन है तेजस्वी यादव? मतलब कौन सा पराक्रम कर दिया उन्होंने? क्या पढ़ाई में पराक्रम कर दिया? बिहार का खेलकूद में नाम कर दिया? बिहार में सामाजिक स्तर पर कुछ काम किया? कोई जानता है बाहर? भाई इतने लोग जानते हैं कि लालू यादव के लड़के हैं, हमारे बाबूजी तो नहीं थे मुख्यमंत्री। आप हमारा नाम इसलिए नहीं जानते कि हमने कुछ सही या गलत कुछ काम हमने किया है, इसलिए नहीं ना जानते कि हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री थे? तो 2 स्पोक्स पर्सन को TV बैठा कर किसी पर लांछन लगाना, किसी पर कुछ बकवास करना, भाई आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार के दिखाइए। आपने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो 10 लाख नौकरी दिला के दिखाइए। आप कायल उनसे पूछते हैं कि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में साइन करेंगे, जिस कलम से पहला डिसीजन यही साइन करेंगे कि 10 लाख लड़कों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप लोगों ने पूछा एक बार भी? RJD के नेताओं से पूछा कि भाई कलम टूट गई है कि स्याही सूख गई है कि कैबिनेट मीटिंग हो नहीं रही है? आप लोग भी क्या है, नेताओं को मतलब जो साधने अवेलेबल है उसको रगड़ते रहिएगा, और जो सवाल पूछा था ना उसकी हिम्मत आपकी है नहीं। नीतीश कुमार पिछली बार कब लास्ट प्रेस वार्ता की आपको याद है? डर के मारे पत्रकारों के सामने नहीं आ रहे। मैं तो ओपन चुनौती दे रहा हूँ नीतीश कुमार को। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव को कौन जानता था। 2015 में चुनाव के बाद विधायक बने, उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। इसी बीच उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जो वादा किए थे कि वो अपनी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, क्या अब उस कलम की स्याही सूख गई है या फिर खत्म हो गई है? इसी बीच प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को कहा कि लालू यादव के बिना कुछ भी नहीं है। जिस चाचा भतीजा के बारे में आप बात कर रहे हैं वो जनता के साथ सिर्फ धोखा कर रहे हैं। जब ये चाचा भतीजा सत्ता में आए तब 3 उपचुनाव हुए जिसमें से 2 को हार का सामना करना पड़ा, 1 चुनाव जीते क्योंकि वो बाहुबली की सीट थी। उपचुनाव तो इनसे जीता नहीं जाता, ये मुझे चुनाव लड़ना सिखाएंगे। 2015 में मैंने इनकी मदद नहीं की होती तो क्या ये महागठबंधन जीत हासिल हो पाती? तेजस्वी यादव पर हमला रखते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीति की कितनी समझ है, 2015 में विधायक बने और इससे पहले इनको कौन जानता था। तो आपने प्रशांत किशोर को देखा जिन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव पर हमला किया है और साथ ही कहा है कि तेजस्वी यादव को कोई नहीं जानता था 2015 से पहले। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।